कल एक हमारी पार्टी ने ये जो आज ही आपने चार्जशीट पेश की है लूट की छूट, तो ये हमने कल हमारी सारी हिमाचल की लीडरशिप में शिमला से ये चार्जशीट लोगों के सामने लेकर आए हैं, हिमाचल के लोगों के, कि पांच साल कहाँ किया था भाजपा ने और जो कुछ किया है बिल्कुल उसके विपरीत। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि ये जिला चीफ मिनिस्टर साहब का है और जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे मुझे ये बात बताई गई और मैंने भी खुद पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट होगी मैं इधर एयरपोर्ट लेकर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पांच साल में चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेशनल गवर्नमेंट भी इनकी है और डबल इंजन की बात करते हैं, कोई कमी नहीं है, उसका मतलब है कि इनके पास ओला भी पूरा था, इंजन भी दो थे, उसके बावजूद अभी तक आप देखिए कहीं भी कोई काम नहीं शुरू हो पाया। तो बेसिक भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की या नेशनल एयरपोर्ट की को तैयारी करनी होती वो भी नहीं हो पाई। अगर चीफ मिनिस्टर साहब पांच साल में अपना ड्रीम प्रोजेक्ट ही नहीं लेकर आ सके, अगर उनकी ड्रीम ही नहीं पूरी हो सकी, हिमाचल के भाइयों और बहनों की ड्रीम क्या वो पूरी करेंगे? आज देखिए इधर तो यही हुआ है, बस जो कुछ ईमानदारी की बात की मगर रिजल्ट कंप्लीटली 100% उल्टा। 1971 में पहली दफा, अगर मैं सही ठीक हूं, तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट और इंदिरा गांधी जी ने स्टेट को जन्म, नई स्टेट, और इस स्टेट को आप देखिए जब एक टाइम ये पंजाब का एक, उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई और जहां तक भी आज हिमाचल पहुंचा वो कांग्रेस की वजह से ही है कि पार्टी ने नई स्टेट बनाई। और जितने हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर यहां पहले देखे, आप डॉक्टर वाईएस परमार जी से, फिर ठाकुर रामलाल जी से, फिर छह दफा हमारे राजा वीरभद्र सिंह, जितनी भी फाउंडेशंस इधर ले की गई हैं, रोड प्रोजेक्ट्स हों, टनल्स हों, आपकी आईआईटीज हों, आपके एम्स हों, आपके मेडिकल फैसिलिटीज जितनी भी इधर आई, मेजॉरिटी हैव कम एट अ टाइम व्हेन द कांग्रेस गवर्नमेंट्स वर इन। इन्होंने जो कुछ किया आपके सामने है। और कल हमारी सारी स्टेट की लीडरशिप ने एक वचन हिमाचल के हर बुजुर्ग को, अपनी बहन को, अपने बच्चों को दिया है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने जो पुलिस की भर्तियां हुई और उसमें बहुत बड़ा स्कैम है, ये जितने बड़े स्कैम हैं, वो रिक्रूटमेंट स्कैम हो, पुलिस का स्कैम हो, या उसके साथ फॉरेस्टेशन का काम हो, या उसके साथ साथ ये जो माइनिंग का, क्योंकि मैं तो बॉर्डर स्टेट से, आपकी जो पेरेंट स्टेट किसी टाइम थी पंजाब, वहां से आता है, इतने बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट की मदद के साथ ये माफियाज इधर के आपके ओपन लूट की। और हमारी पार्टी ने इस बात का ये फैसला कर लिया एट द हाईएस्ट लेवल कि लूट करने वाले जो भी हो, पावरफुल से पावरफुल आदमी भी जो होगा, उसकी अकेली तहकीकात ही नहीं की जाएगी, इन सभी आदमियों को जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा दे वुड बी सेंट टू द जेल। सबसे बड़ी बात है ये तहकीकातें तो बहुत सारी होती आई है और तहकीकात कहीं तक पहुंची नहीं। हमारा फैसला ये है कि इसकी तहकीकात भी होगी और जिम्मेवार लोग, जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ये बड़े स्कैम किए हैं, ये रिक्रूटमेंट पुलिस की हो या जेबीटी की टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी रिक्रूटमेंट हुई है या माइनिंग की है या डिफॉरेस्टेशन की है, ये सारे जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, पक्का किसी से नहीं किया जाएगा। सही मायने में जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तहकीकात के बाद केस से रजिस्टर होंगे, उनको अंदर इस बात के लिए तैयारी रखें। और हम चाहते हैं हिमाचल के लोग जो हैं वो, उनकी मंशा भी ये है, विशेष तौर नौजवानों की, कि उनके फ्यूचर के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, देखिए आज पोजीशन ऐसी है 8वें नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, आज एक छोटी सी स्टेट
72-73 लाख की आपकी सारी पॉपुलेशन थी और तकरीबन 9 लाख नौजवान बच्चे अनएम्प्लॉयड, 67,000 अभी तक गवर्नमेंट की पोस्ट इन्होंने भरी नहीं, बाकी काम तो इन्होंने क्या करना। और हमारा पहला फैसला ये हुआ है अलका जी कि जब हिमाचल के भाई और बहन वोट डालकर गवर्नमेंट बनाएंगे और चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के वोट टेकिंग सेरेमनी से फारग करेंगे, जो पहली कैबिनेट की मीटिंग इमीजिएटली बुलाई जाए, उसमें वन ऑफ द मेजर डिसीजन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ ये होगा कि हम सरकारी नौकरियां जो पोस्ट खाली हैं तकरीबन 1,67,000 तो आप है और उसके बाद कुछ और भी जमा होती रहती हैं पोस्टें, वो तकरीबन 1,00,000 होंगी एक साल के अंदर, क्योंकि प्रक्रिया है इसमें 5-4 महीने आपको एडवर्टाइजमेंट के भी कई महीने लगते हैं, उसके बाद इम्तिहान होने, इंटरव्यूज होने, सभी कुछ होने के लिए, तो वी हैव सीक्ड 1 ईयर्स। तो ये सारी बातें आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। ये चार्जशीट अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जितनी भी इन्होंने पिछली दफा इनके जो प्रोमिसेस थे, इन्होंने कहा था कि ये बातें हम करेंगे, रॉयल्टी लाएंगे पानी ऊपर हिमाचल के लिए, कभी नाम तक किसी ने नहीं दिया कि हम रॉयल्टी, क्योंकि सारा पानी तो इधर से गुजरता है, तो रॉयल्टी की बात, ग्रीन बोनस की बात थी, मेकिंग द स्टेट डेट फ्री, के कर्जा मुक्त कर। मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ, 71 से लेकर 2017 तक 42,000 करोड़ का कर्जा था, सभी जितने भी गवर्नमेंट साथी थी, 42,000 करोड़ का डेट। 5 साल में, अकेली 5 साल में इस बीजेपी की गवर्नमेंट ने वो डेट बढ़ाकर 72,000 करोड़ रुपीज कर दिया, 30,000 करोड़ रुपया 5 साल में आ गया। और ये वो गवर्नमेंट है जिसने प्रॉमिस किया था कि हम कर्जा मुक्त करेंगे आपको, ये कर्जा मुक्त करने वाली जो है 30,000 करोड़ का और कर्जा बढ़ाएगी। इसके साथ मेरे एरिए से ही पठानकोट से ले को रेलवे लाइन थी, एक अनुपुली को एक रेलवे लाइन थी, कुछ भी उसमें नहीं हुआ। फिर कहा कि हम भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में अपना शेयर लेंगे, कभी नाम ही कुछ नहीं किया, सेंटर में बैठे हैं, सारी पावर्स इनके पास है, डबल इंजन है। हम तो कह रहे हैं डबल इंजन नहीं भाई, ये तो ट्रबल्ड इंजन, इंजन तो ठीक चला ही नहीं, ये तो मेरा ख्याल हिमाचल के इंजन को तो सेंटर ही खींचता रहा, नहीं तो ये तो कब का रास्ते में रुक गया, कोला खत्म हो गया। जितनी बाय इलेक्शंस हुई पार्लियामेंट की, आप देखिए सबसे बड़ी बात, चीफ मिनिस्टर साहब का खुद का जिला हो, वो इधर के मुख्यमंत्री हो, और 1971 से लेकर अब तक मेरा ख्याल पहले हैं जो इस एरिया के मुख्यमंत्री बने हैं, वो खुद 10 की 10 सीट भाजपा के पास हो और पार्लियामेंट की सीट आ जाए, और फिर कहते हैं हमारा डबल इंजन पावर इंजन है, ये तो उसका मतलब कोला तो रास्ते में खत्म हो गया था। और जितनी बाय इलेक्शंस उसके बाद हुई सारी की सारी आ रही, और आज मैं, क्योंकि हम तो बॉर्डर पर हैं आपके, पूछते रहते हैं, लोगों ने मन बना लिया, हर घर में हिमाचल के ऑलमोस्ट एवरी इफ नॉट एवरी हाउस बट एवरी सेकेंड हाउस एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और मैं एक हैरानी की बात आपको बताना चाहते पाल सिंह जी, 8 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस लगाकर हिंदुस्तान के लोगों 28 लाख करोड़ रुपया मोदी साहब ने 28 लाख करोड़ रुपया कमाए, और अगर चंद 100 करोड़ रुपया हमारे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको देना है तो कह दिया हमारे पास पैसे ही नहीं। अब मुझे बताओ ना किसकी बात कर, कांग्रेस ने ये फैसला किया है, प्रियंका जी ने ये बात पीछे सोलन में कही है कि जिस दिन गवर्नमेंट आएगी पहला फैसला, जो पहला सिग्नेचर सीएम के होंगे वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर होगा, इट इज ऑलरेडी डिसाइड। और विशेष तौर पर एम्प्लॉयज को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये आपकी लेक्चर, आप आगे निकलिए कांग्रेस के कैंडिडेट से आगे होकर हमारा हाथ थामिए, नौजवानों के भी नौकरियों का हम काम कर रहे हैं, आपकी पेंशन का काम भी हम करने वाले हैं, हमारी जो गारंटीज है वो आपके सामने हैं जी। और इसके साथ साथ अलका जी सबसे बड़ी बात,
आप देखिए इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, दूध नहीं छोड़ा, पनीर नहीं छोड़ा, जहां जीएसटी नहीं लगा दी। किसानों का हाल ये देखो क्या है, अडानी जी का फायदा इनको तो हो ही रहा है दिल्ली में अडानी और अंबानी का, मगर हिमाचल में देखो क्या, 35 रुपए से लेकर 50 रुपए फी केजी सेब खरीदते हैं और वही सेब पैकेजिंग कर दिल्ली की मंडी जो तकरीबन 400 किलोमीटर है इधर से, 350-400 है, वहां 500 रुपए फी केजी दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, मुंबई में, सारे बड़े शहरों में, हैदराबाद में, डाउन साउथ 500 रुपए केजी इनका सेब बिक रहा है। अगर इनकी अपने अपने लोग थे, अपनी सरकार थी, उसको मजबूर करते कि भाई कम से कम 250 ही दो, 200 ही दे दो, चलो 150 ही दे दो, वो किसान की मदद तो करो। फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ गई, पेस्टिसाइड्स की कीमतें बढ़ गई, आपकी पैकेजिंग पर अलग में जीएसटी लगा दी, पैकेजिंग पर भी जीएसटी लगाई, ये हमारा वादा है कि जो मालिक हैं बागवान वो खुद तय करें। ये बड़े जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं इनको लूट नहीं करने दी। हमारी गुजारिश है किसानों, किसान भाइयों को, वो अपर हिमाचल के हों या लोअर हिमाचल के, जिस किस्म की भी वो किसानी करते हैं उनको गुजारिश है, ये जो दिल्ली में सरकार है ये एंटी किसान सरकार, ये किसान की नहीं, ये कॉर्पोरेट हाउसेस की गवर्नमेंट है। इन्होंने तो अपने लोग भी नहीं बख्शे थे, अगर ये रूल करते होते इधर तो कम से कम हिमाचल का ध्यान रखते, वो नहीं किया। इसके साथ 1500 रुपया, देखो खुशी की बात है क्योंकि बहुत सारी हमारी बहने जो है वो अब रिपोर्टर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, 1500 रुपया कांग्रेस ने फैसला किया है कि सभी को महीने का, 18 साल से लेकर 60 साल, हमारी नौजवान बच्चियों से बहनों तक सभी को हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लेडीज को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि आपका गैस सिलेंडर देखिए 470 पर छोड़ के गए थे, 1200 तक पहुंच गया। आप तभी देखो ये जो स्मृति रानी जी स्कूटर पर लेकर सिलेंडर घूमती थी, अब कभी दर्शन ही नहीं हुए उनके, अभी दर्शन ही नहीं हुए कि गई कहाँ है। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, साथ के साथ सिलेंडर गायब हो गए तो साथ के साथ स्मृति रानी जी भी गायब हो गए, और सब्सिडी भी सारी की सारी गायब, फार्मर्स की सब्सिडी फर्टिलाइजर्स पर गायब, गैस की सब्सिडी गायब, ऊपर से टैक्स इतना कर दिया, पेट्रोल 100 रुपए से नीचे नहीं, हिमाचल में तो मेरा ख्याल 100 से भी ऊपर, पंजाब में 100, इधर 5-4 और महंगा है, 5-4 डीजल की प्राइसेस देखिए कहां तक पहुंच गए। इसके साथ हमने एक और फैसला किया कॉल सिंह की, तो खुशी की बात बता, जो लेडीज अबव 60 ईयर्स जिनको ओल्ड एज पेंशन देते उनको 1000 रुपया मिलता, ये फैसला हमने किया है कि गवर्नमेंट जाते उनको भी इसी स्लैब में लिख रहे हैं 1500, they will not be losers, rather they would also be beneficiary, उनको भी हम 1000 से 1500 पर लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ 300 यूनिट बिजली के, बीजेपी दे रही है 125 यूनिट, क्योंकि बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्लाइड है, रिसेशन हिंदुस्तान में आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ रहा है। आप देखिए 40 रुपए का कॉल सिंह जी रुपया था, 40 रुपए डॉलर के हिसाब से, मोदी जी मुझे याद है तब सीएम थे गुजरात के, ये कह रहे थे इतना फ्री फॉल हो रहा है हमें पता नहीं चल रहा है ये रुकेगा कैसे, मुझे इतना इस बात का गम है, अफसोस है, दुख है कि यार इतना 40 रुपए तक पहुंच गया, अब देखिए 83 रुपए हो गए, 83 रुपीज। और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी, उनका देखिए कितनी अच्छी उन्होंने इसकी दलील दी है, दलील ये दी है रुपया स्थिर है, डॉलर मजबूत हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया स्थिर, जैसे ये भी स्थिर है, देश गरीब हो रहा है मगर भाजपा स्थिर, इनका काम बढ़िया चल रहा है। तो इसीलिए ये हमारी गुजारिश ही है, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए, हमेशा हिमाचल की तरक्की तब हुई जब कांग्रेस, सबसे पहले तो जब स्टेट ने, जिस पार्टी ने इस स्टेट को एक नई शादी, नया नाम दिया, एक रिकॉग्नाइजेशन दी, एक आइडेंटिटी दी, जिसकी वजह से आप तरक्की कर रहे हैं, तो हिमाचल हमेशा ही कांग्रेस की तरफ इनका हाथ
हमेशा कांग्रेस के कंधे पर रखा है और हमें इस बात का पूर्ण फेथ है कि इस दफा भी हिमाचल जो है अपना आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रखेगा। इसके साथ साथ 5 लाख जॉब्स का मैंने जिक्र कर लिया है, एप्पल ग्रोज का बात हो चुकी है, 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप्स के लिए, 10 करोड़ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 10 करोड़ रुपया नौजवान बच्चों के लिए इंटरेस्ट फ्री। कोई भी नया बिजनेस जिसको स्टार्टअप कहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहेगा, 10 करोड़ तक हर हलके में बिना इंटरेस्ट के हम उसको गवर्नमेंट कर जाते। इसके साथ साथ मेडिकल मोबाइल वैन्स हर हिमाचल के गांव तक पहुंचे, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन फिक्स्ड होगा, उस पर मोबाइल वैन आएगी, फ्री आपका सारे की टेस्ट भी करेगी, फ्री वहां दवाई देगी, आपके घर घर पर डोर स्टेप पर आकर आपको ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, ये एक मेजर बेनिफिट होगा। इसके साथ डेयरी फार्मर्स जो छोटे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं जो दूध का काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनकी मदद के लिए वी हैव ऑलरेडी मेड इट के हमारा जो डिपार्टमेंट है डेयरी डेवलपमेंट का, वो कम से कम 10 लीटर हर घर से दूध की प्रोक्योरमेंट कर। एक तो उसके साथ दूध का कारोबार भी बढ़ेगा, आमदन में भी इजाफा होगा, और रिमोट विलेजेस जो है हमारे वहां तक गवर्नमेंट हर घर में कुछ ना कुछ खाने की व्यवस्था भी कर सके, इकोनॉमिक मदद भी कर, एम्पावरमेंट भी कर सके। तो ये चंद चीजें मैंने आपके सामने लेकर आने की, और एक मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि बाकी बात तो हल्का जी और कौल सिंह जी करेंगे, क्योंकि मैं पंजाब से आया, इधर डायरेक्ट मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस का। जो पंजाब ने गलती कर ली है, हिमाचल वाले कृपा कर हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं, कोई वोट बटने ना देना, क्योंकि हमारा मानना है और हम क्लोजली स्टडी कर रहे हैं, ये जो हमारे एक नई जमात आई वो बेसिकली एक बी टीम है, ये कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ये पार्टी को जन्म दिया गया। इस पार्टी को आप जो क्लोजली स्टडी करते, क्योंकि मैं तो ऐसी पोजीशन में हूं, हमें तो एक एक मूव इनकी स्टडी करनी पड़ती है, जहां भी बेल आउट करती है इस जमात को, फिर भाजपा वाले करते, बिल्कुल जब नजदीक आ जाते हैं कहीं, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर एक जर्मन जहाज से ऑफलोड कर दिया था, जब मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर को कहा कि हमें लुफ्थांसा से पता करिए कि इसको कौन से हालत में ऑफलोड किया गया, तो वो सिंधिया ने नहीं किया। जब मैंने पता किया, ये एक स्पोक्समैन है भाजपा के, क्योंकि मैं 2 टर्म्स वहां एमपी रहा हूं, लोकसभा और राज्यसभा, मैंने पूछा भाई अब तो काबू आया था आपके, ये उस हालात में अभी तक 75 साल में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसको सम्मान आगे अटैची तो ऑफलोड होते सुने हैं, कोई चीफ मिनिस्टर जहाज से ऑफलोड होता कभी नहीं सुना। तो उन्होंने मुझे कहा भैया ऐसा है कि इसको इसलिए हमें ऊपर से मैसेज आ गया, इनके ट्वीट हुए, मैं नाम दे सकता हूँ भाजपा के लीडर्स के नाम दे सकता हूँ, आपको ट्वीट दिखा सकता हूँ, पहले ट्वीट किए सीएम पंजाब के खिलाफ कि इसके अगेंस्ट एक्शन लो, जिस हालत में इसको ऑफलोड किया गया, इसकी सिक्योरिटी को ऑफलोड किया गया, इसकी वाइफ को ऑफलोड किया गया, ये लुफ्थांसा से रिपोर्ट लो, अगर वो रिपोर्ट आ जाती तो इसको इस्तीफा देना पड़ना। उस टाइम पर फिर सेंट्रल इंटरवेंशन, बीजेपी की लीडरशिप ने इंटरवीन किया, और वो स्पोक्समैन ने, भाजपा के स्पोक्समैन ने मुझे बताया कि कह रहे हैं भाई ये नेशनल इज्जत का सवाल है, आप छोड़ दो इसको, आप इसके पीछे मत, आप देखो नेशनल इज्जत का सवाल बना दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये क्लोजली मॉनिटर करने वाली बात है, आपको अभी हो सकता है अभी समझ ना आए, मगर एक एक वोट भी जो किसी और पार्टी को जाएगा, आप सोच लीजिए, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम ही भाजपा ने तो इनकार कर दिया, 100% सपोर्ट कांग्रेस को आनी है, अगर कोई 2, 4, 5 को गलती से बाएं दाएं वोट्स होती है, उसका डायरेक्ट एडवांटेज जो है भाजपा को। तो दिस इज द गेम प्लान, ये ऐसी बहुत सारी गेम्स इधर चलाएंगे, थोड़ा सा हमें, अब तो बहुत लोग समझदार हैं पढ़े लिखे, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने के लिए।